नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, आप सभी का स्वागत है जीटी न्यूज में। आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं राजद की तरफ से आने वाली बड़ी खबर को लेकर के। लालू प्रसाद यादव 10 तारीख की हुई बैठक में तमाम बातों को बोल गए। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे समेत जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जिस कदर बिहार की स्थिति और परिस्थितियां बनी हुई हैं, जहां केंद्र सरकार न राज्य की सरकार की कोई बातें मानती है और न राज्य की कोई बात सुनती है, इस पर सरकार क्या कुछ बोलेगी। उन्होंने विधान परिषद के चुनाव में इस बार संपूर्ण तरीके से जीत का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार और हमारे कार्यकर्ता इस बार पंचायती राज चुनाव में सबसे अधिकतम मात्रा में जीत कर आए। लगभग 85% ऐसे लोग हैं जो कि राजद की अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, वह राजद को वोट करेंगे और इस बार MLC चुनाव 2022 को लेकर के वह इस बार संपूर्ण तरीके से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने राजद के तमाम के कार्यकर्ताओं से राजद की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजद की शक्ति क्या है। राजद की शक्ति वो थी जो झारखंड में भी राज किया करती थी। अब तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की बात चल ही रही थी कि इस कदर लालू प्रसाद यादव ने खुद मीडिया से सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि जिस कदर बिहार में स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है नीतीश कुमार के राज्य में, यह कहां से संभव है कि सरकार ज्यादा दिन तक चल सके। जहां नीतीश कुमार कहते हैं क तो केंद्र की सरकार कहती है फ, तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने सीधे निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार में तल्लुक नहीं है, जिसके कारण यह तमाम बातें चल रही है। उन्होंने एक और बात को लेकर के कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जानी जाती है। लोकतंत्र की हत्या के लिए भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से यह सवालों के घेरे में बनी हुई है। सरकार जब से बनी उस वक्त से लेकर के अभी तक सरकार के तमाम आलाधिकारी और पदाधिकारियों ने किया ही क्या है, सिर्फ लोगों को प्रताड़ित और प्रताड़ना के साथ लोगों को प्रभावशाली बनाया। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी की सरकार बनने को लेकर के बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ जाना और किसी के साथ आना ये तो दूर की बात है, वह राजनीतिक गुरु सबके हैं। और तेजस्वी यादव ने भी बताया कि वह किसी के चाचा और किसी के मामा भी लगते हैं। यह दरअसल बयान उस वक्त के दिया उन्होंने जब मुकेश सैनी छोटे भाई के रूप में तेजस्वी यादव को बताए थे। और अब उन्होंने कहा कि मैं किसी का छोटा भाई और किसी का बड़ा भाई, किसी का मामा और किसी का कुछ लगता ही हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मेरे साथ वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं उनका दरवाजा खोलकर बैठा हुआ हूँ और उनके हमेशा से इंतजार हमारे दरवाजे पर रहेगा। लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद में जनता दरबार भी लगा, जहाँ फरियादियों ने अपने फरियाद को लालू प्रसाद यादव से सुनाया। जहाँ शरीर समेत एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला याचिका में एक बार फिर से सजा का सुनवाई हो सकता है। 14 तारीख की होने वाली अदालत की सुनवाई में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीदें बताई गई हैं। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जेल की हवाओं के बीच में जा सकते हैं।